गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। और आज हम भोपाल एमपी से मुंबई महाराष्ट्र में आए हुए हैं, तो कुछ अनुभव भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और मुझे अलग अलग सिटी से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। जेटा टी का मेरा आइडिया आप सभी को बहुत पसंद आया है, इसके लिए धन्यवाद है आपका। जेटा टी के बिजनेस को करने के लिए मेरे पास कई ऐसे लोगों की भी कॉल आए जो होलसेल में चाय का बिजनेस करना चाहते हैं। किसी की डिमांड 200 किलो की आई, किसी की 400 किलो की आई, किसी की 300 किलो की आई, किसी की 100 किलो की आई। बाली सर हमेशा बोलते हैं कि सब कुछ जो आपका शुरू होता है वो सोच से शुरू होता है। एक सोच मेरे दिमाग में आई और मैंने उस सोच को आप लोगों के सामने रखा, तो उससे जो है एक बड़ा बिजनेस मिलने के लिए संभावना बनी और लोग उस चीज़ को यूज़ करके देख रहे हैं। दोस्तों, आप कहीं पर भी हैं, किसी भी शहर में हैं, हम सभी लोग बेस्टीज को बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। एक अनुभव जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं कि जनरली लोग चाहते हैं कि हमारे को लोकल लीडर मिले, जिस सिटी में हम हैं उसी सिटी का हमें जो है लीडर मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सिटी में हैं उस सिटी का अगर आपको लीडर मिलेगा तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट कुछ होने वाला है। जनरली होता यह है कि जो लोकल लीडर होता है वो अपने समय के अनुसार आपको मिलेगा, आपका साथ देगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी दूसरे शहर का लीडर आपको मिलता है तो वो आपका साथ नहीं दे पाएगा या आप उसके साथ जो है अच्छे से बिजनेस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो भी कर रहे हैं, चाहे वो पहले कर चुके हैं किसी कंपनी में या पहली बार उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया है, उनको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। आप बैसाखी के सहारे जो है ना तो मैराथन दौड़ सकते हैं ना रिले रेस दौड़ सकते हैं। अपलाइन को कितना और कहां पर आपको सपोर्ट लेना है उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बनाया था, जो वीडियो अपलोड भी करा था। एक दो वीडियो और हैं, वो भी अपलोड करना है मुझे। अपलाइन आपके लिए जो है वो व्यक्ति नहीं है कि जो आपके हर एक प्लान को शो करेगा, हर एक प्रोस्पेक्ट से आके मिलेगा। अपलाइन के काम जो हैं वो आपको सिखाना है और सीखना तो आपको पड़ेगा। जब आप सीख लेते हैं, सीखना जारी रखते हैं तो आप लीडरशिप ले लेते हैं और जब आप लीडरशिप लेंगे तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। नहीं तो कहा जाता है जब तक आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है तो अपलाइन का बिजनेस हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। जितने भी लोग होंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, फ्रेंड्स हों, वो सब रिलेट करेंगे आपके अपलाइन से। वो सिर्फ इतना सोचेंगे कि हाँ, जैसे मैं अपना एक उदाहरण लेके बताऊं कि अगर विकास अग्रवाल में जो है हमेशा अपने अपलाइन अनंत सर, दीपेश सर या विक्की सर का ही सपोर्ट लेता रहूं हर जगह, तो मेरे जो अपने लोग होंगे वो ये देखेंगे कि विकास सर को तो कुछ आता नहीं है, वो तो सिर्फ अपने प्लान को लेके आते हैं और लाके उनके द्वारा प्लान दिखवाते हैं, उनके द्वारा ही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिलवाते हैं। तो वो चीज़ चाहे लोकल लीडर हो, चाहे आपका आउट स्टेशन का कोई लीडर हो, किसी से भी आप बार बार वही काम करवाएंगे तो आपकी लीडरशिप सामने नहीं आएगी। आप
एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों ये तो एक छोटी सी बात मैंने कही, क्योंकि मेरे पास आउट स्टेशन से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास कोलकाता से फ़ोन आए हुए हैं, मेरे पास दिल्ली से, मुंबई से। ऑलरेडी मुंबई जो मैं आया हुआ हूँ तो यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो देख के अमित मतलानी सर ने मुझे कॉल किया, उल्लासनगर में हूँ अभी मैं, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे साथ जुड़े। ये एक हफ्ते में मेरा दूसरा विजिट है मुंबई का, और इस बात को मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी लीडर किसी दूसरे शहर का बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो अपने खुद के शहर में अपने आप को मजबूत करें कि वहाँ पे आपकी टीम हो जो आपके ना रहते हुए भी काम कर रही हो। उसके बाद आप अपने शहर से बाहर निकल के अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हैं कि अपने आसपास के 200 किलोमीटर के 300 किलोमीटर के एरिया में बिजनेस करना शुरू करें, और अगर आपका बिजनेस 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या और ज़्यादा 1200-1300 किलोमीटर दूर भी जा रहा है तो भी आप घबराएं नहीं। आपको कुछ नियम फॉलो करने होंगे जिसको हम बोलते हैं रिपीटेशन। किसी भी बिजनेस को जब कोई व्यक्ति आपके साथ मिलके स्टार्ट करता है, जैसे कि मुंबई में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, पूरी की पूरी एक टीम आई हुई है हमारे साथ जो कि एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, यहाँ पे टॉप पोजीशन पे वो थे और उन्होंने हम पे विश्वास करा कि भोपाल से हम जो है उनके लिए यहाँ पे आए, क्योंकि मुंबई में भी लीडर्स की कमी नहीं है। उसके बावजूद वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें शुरुआत के 3 महीने इतना सपोर्ट करें कि अगर हमें हर हफ्ते भी भोपाल से मुंबई आना पड़ रहा है अपने खर्चे पे रहना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आकर हम उनको सिखाएं और बताएं कि कैसे वो बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, उनके लिए मीटिंग करें। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम ही मीटिंग करेंगे, 3-4 मीटिंग करने के बाद हम उनको बोलेंगे कि आप बताइए, हम साथ में बैठे हुए हैं, कुछ भी अगर मिस्टेक होगी तो हम संभाल लेंगे, पर आप बताना शुरू। हमें लीडरशिप डेवलप करनी है दोस्तों और सपोर्ट करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम उनको सपोर्ट करेंगे तो उनको एक फेथ आता है कि हाँ हमने सही डिसीजन लिया है, सही व्यक्ति के साथ डिसीजन लिया है। मैं ये विश्वास आपको क्यों दिला रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जो मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं, मेरे अनुभव को देख के, जो मेरी ट्रेनिंग्स को देख के मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक ही चैलेंज आ रहा है कि आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, आप मेरी सिटी के नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ कैसे शुरू करूं, आप कितना मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आप अगर एज ए यूज़र शुरू करना चाहते हैं, सिर्फ आप बेस्टिश के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मेरे साथ शुरू करें तो आप यूज़ कर पाएंगे। अगर प्रोडक्ट पर विश्वास आपको आ जाता है और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी प्लानिंग तो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, यहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में बेस्टीज जाएगा उस कंट्री में हमें जाके बिजनेस करना है। और मेरा 6 साल का एमबे बिजनेस का अनुभव है, मैंने वहाँ पे ब्रिट वर्ल्ड वाइड से सीखा है और यही सीखा है कि जिस भी सिटी को या जिस भी कंट्री को आपको डेवलप करना है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है दोस्तों कि हम अपना बिजनेस सिर्फ अपने लिमिटेड दायरे में नहीं रखते हुए पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं, या एटलीस्ट अपने पूरे इंडिया में, अपनी कंट्री में तो फैला ही सकते हैं, और भी आप छोटे में जाना चाहेंगे तो अपने स्टेट में तो फैला ही सकते हैं। तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, और घर से बाहर लिंक मिलते हैं तो ही निकलना होता है, और जब निकलना होता है तो आपको वहाँ पर कंटिन्यूटी 3 महीने एटलीस्ट बना के रखना है कि 3 महीने हफ्ते में 7 दिन में या फिर 10 दिन में या 15 दिन में आपको कंटिन्यू जाना है, जैसा सामने वाला समय दे रहा है, जैसा आप समय दे रहे हो। लेकिन आपको अपनी तरफ से कमिटमेंट करना जरूरी है कि आप एक हफ्ते में एक बार उस सिटी में जरूर जाओगे, उनको डेवलप करोगे, उनके लोगों के बीच में फेथ दिलाओगे कि हाँ
हमारा लीडर हमारे को आगे और काम करता है। एक बात दोस्तों बहुत अच्छी है यहाँ पे कि अगर आप आउटस्टेशन का अगर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आपके समय का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन होता है। अगर लोकल लीडर लोकल लोगों के साथ काम करता है तो कई बार वो अपने घर के कामों में फैमिली के चैलेंज होते हैं या फिर बिजनेस के चैलेंज होते हैं जो करंट प्रोफेशन आपका अभी है, तो वहाँ पे आप उतना ड्यूटेशन के साथ बिजनेस नहीं कर पाते हैं जितना आउट स्टेशन जाके आप कर पाते हैं। जैसे मुंबई अगर अभी मैं आया हुआ हूँ मेरे सीनियर लीडर अनंत सर के साथ, तो हमारा पूरा फोकस यहाँ पे काम पर है। हम काम करने के लिए आए हैं तो हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हम फोकस कर सकते हैं वेस्टेज बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ किसी भी शहर में या किसी भी देश में अपना एक ही लेग डेवलप करें। आप कोशिश कीजिए आपके 2 लेग 3 लेग 4 लेग 5 लेग 6 लेग जितने ज़्यादा लेग आपके जो है, जितनी ज़्यादा डाउनलाइन आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेग में तैयार होगी किसी भी सिटी में, तो आपका जाना आना अखरेगा नहीं और आपको वहाँ पे भी बिजनेस बड़ा बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। दोस्तों मैं अपनी बात जो कहना चाहता हूँ शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार करता हूँ कि काफ़ी लोग मुझे स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं कि सर आपके वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, आपकी बातें हमें समझ में आ रही हैं, हम बहुत सारी बातें जो अपने खुद के अपलायन से नहीं सीख पा रहे थे वो आपसे सीखने को मिल रही है। तो मैं ओपन माइंड हूँ दोस्तों, मैं वेस्टिजियन जितने भी हैं या अदर नेटवर्क के भी लोग हैं अगर वो मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी दोस्तों मैं अपनी बुक भी लिखने वाला हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग पे जब मेरी बुक आएगी तो वो सभी के लिए होगी, ना कि सिर्फ वेस्टिजियंस के लिए होगी। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल होने की, तो यूनिवर्सल होने के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा सोच हमें बड़ा रखना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। दोस्तों मैं आप सबको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मैंने ये स्किल्स डेवलप किए हैं जितना मैं आपके सामने बिना किसी स्क्रिप्ट के बोल पाता हूँ। तो ये सारे स्किल्स हमारे अंदर जो डेवलप हुए हैं वो बुक्स सीडीज और मीटिंग फंक्शन सेमिनार से हुए हैं। जितना ज़्यादा आप अपने लीडर के साथ टच में रहेंगे, चाहे वो आउट स्टेशन के हों चाहे आपके अपनी सिटी के हों, इस बात के लिए मैं दोस्तों एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा और उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने डिसीजन लिया मेरे साथ आने का। रामेश्वर जी हैं जो कि सूरत से हैं, एक छोटी सी जॉब कर रहे हैं लेकिन सोच बहुत बड़ी है, सपने बहुत बड़े हैं। पार्ट टाइम में भी काम करते थे वो भी कर रहे हैं, साथ में मेरे साथ जुड़ के वेस्टिज बिजनेस कर रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है, 1.5 महीना 2 महीना हुआ है लेकिन बहुत लगनशील हैं। छोटी सी छोटी बात को वो जो है एक स्किल सीख चुके हैं कि अपलाइन के कम्युनिकेशन में रहना है। उनके रोज़ाना मेरे पास फ़ोन आते हैं, कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, कई बार उठा के उनको रिप्लाई कर देता हूँ लेकिन रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। वो सीखने पे फोकस दें और हर एक बात पूछ कर कर रहे हैं। अभी दोस्तों उन्होंने कल ही अपने बॉस के साथ एयर प्यूरीफायर जो मैंने वीडियोस डाले थे अभी कुछ, तो उसको समझा और उसको उन्होंने प्रमोट किया। अभी उनके बॉस ने जो है हाँ नहीं की है लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट किया, उन्होंने अपना एक्शन लिया। जो बातें उन्हें करनी थी वो उन्होंने मुझसे पहले पूछ ली कि सर मैं किस तरह से बात करूं, क्या बात करूं। लीडरशिप ऐसे ही आती दोस्तों, अगर आप टोटल लीडर पे डिपेंड रहना चाहते हैं कि जो भी काम करेगा लीडर करेगा, जो भी बात करेगा लीडर करेगा, तो आप कब सीखेंगे? और जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? ये बहुत छोटी सी और कॉमन बात है। हाँ, अगर हम अगर माता पिता हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वहाँ पर सीखने के लिए भेजते हैं या किसी को फॉलो करने के लिए भेजते हैं?
कि जाना आप टीचर जो बताए बस वो सुन के आ जाना, लेकिन उसको अप्लाई मत करना। दोस्तों, हम अपने बच्चों को या छोटे को सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से आपको जो है अपने अंदर सारी काबिलियत लानी है जिससे कि आप हर चीज़ को फेस कर पाए, लेकिन क्या हम भी वो फॉलो करते हैं? क्या हम भी हर चीज़ सीख कर और उसको एक्शन मोड में लाते हैं? अगर लाते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप बधाई के पात्र हैं, और नहीं लाते हैं तो लाना शुरू कीजिए। आप जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे आप जाते हैं तो सीखते हैं और खुद करते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, तो आप सीखते हैं और कई बार तो आप सीखते भी नहीं हैं, रिस्क लेते हैं, उस काम को शुरू करते हैं और करते करते सीखते हैं, गलतियाँ भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं, लेकिन खुद करते हैं। आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सीए किसी सीए के साथ 2-3 साल बिताता है, डॉक्टर अपना 2-3 साल किसी हॉस्पिटल में बिताता है या उसकी ट्रेनिंग लेता है। इसी तरह से इंजीनियर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, एमआर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, एमबीए पर्सन अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद वो फील्ड में आते हैं। तो वही काम आपको भी करना है, कोई अलग से काम नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपने शुरू करा है तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको जो है अपने लिए अपलाइन की हेल्प लेना है, साथ में उसको करते जाना है। दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाना भी सीखते हैं ना तो 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। 7 दिन में आपको क्या बताया जाता है कि ये गियर ऐसे लगाना है, रेस ऐसे देना है, ब्रेक ऐसे लगाना है, और आपको कब हैंड ब्रेक खींचने की जरूरत है, कब आपको स्टेयरिंग घुमाने की जरूरत है, कब आपको दूसरे काम करने की जरूरत है, वो आपको सिर्फ बताया जाता है, सिखाया जाता है। ये नहीं होता कि आपको परफेक्ट करके दिया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी व्यक्ति जो करना है वो बता सकता है कि आपको ये काम करने हैं। करना तो आपको खुद पड़ेगा दोस्तों, चाहे वो आउट स्टेशन का लीडर हो या फिर जो है वो आपका लोकल लीडर हो। एक और अनुभव मुझे आया दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोलकाता से मेरे को एक फ़ोन कॉल आया, वो मेरे को डिसीजन लेने में बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने उनको फॉलो किया, कल अभी उनका मैसेज आया कि आपने मुझे बहुत गलत गलत टाइम पे लेट नाइट मैसेज किए हैं, आपने वीडियो कॉल करने की कोशिश की है, आप मेरी मर्जी के बिना जो है मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूँगा। ठीक है, सबका अपना अपना डिसीजन होता है दोस्तों। तो फॉलोअप के लिए हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि फॉलोअप भी करना है तो लिमिटेड करना है, फॉलोअप भी करना है तो दोस्ती बनाते हुए करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको किसी के पीछे पड़ जाना है। आज हम भी सीख रहे हैं और सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी जो गलतियाँ रहीं, आपको बुरा लगा, उसके लिए मैं सभी के सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरे कारण बेस्टीज बिजनेस को मत छोड़िएगा। आप जिसके साथ भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, भारत में बेस्टीज बिजनेस से अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी कोई दूसरी नहीं है किसी के लिए भी। वो कोई भी बिजनेस में हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी में बेस्टीज का अभी कोई सानी नहीं है। मतलब कोई दूसरा अभी उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। जो अचीवमेंट बेस्टीज में आ रहे हैं, जो सफलताएं बेस्टीज में जल्दी लोग पा रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भले मेरे साथ बिजनेस शुरू ना करें, लेकिन आप बेस्टीज बिजनेस जरूर शुरू करें। आपको लोकल लीडर के भी कॉल आए हुए थे, वहाँ के भी नंबर मिले थे, आप कोलकाता में लोकल लीडर के साथ शुरू करें। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी आपको परेशानी हुई इसके लिए। दोस्तों, बिजनेस आप कोई सा भी कर रहे हों, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बेस्टीज बिजनेस को आप समझिए, उसके प्रोडक्ट यूज करके देखिए, आप उसकी क्वालिटी देख के आप क्वालिटी समझेंगे, और क्वालिटी जब आप समझेंगे तो आपको बिजनेस करना आसान हो जाएगा।
एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप किसी दूसरे शहर जाके बिजनेस कर रहे हैं तो अपने समय को बहुत पाबंद कीजिए, साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट उनकी है उसको ज़रूर फुलफिल कीजिए। उसी रिक्वायरमेंट के चलते आज हम भोपाल से एक बेस्टीज का महंगा मशीन शार्क एयर कंपनी का एयर प्योरीफायर साथ में लेके आए हैं। ट्रेवल करने में ये डैमेज हो सकता था लेकिन हमने उसका रिस्क लिया और यहाँ पे हम उसका डेमोंस्ट्रेशन करेंगे उनके साथ, क्योंकि यहाँ की जो टीम है वो प्रोडक्ट के साथ साथ शार्क कंपनी का एयर प्योरीफायर भी जो है सेल करना पसंद कर रही है या यूज़ करना पसंद कर रही है। इसके लिए हम अपना पेटी पेट एयर प्योरीफायर साथ में लेके आए हैं, जो कि यहाँ पे हम उनके साथ शेयर करेंगे, उनको डेमोंस्ट्रेशन देंगे। डेमोंस्ट्रेशन का भी हम सामान साथ में लाए हैं और साथ में जो है हम ये जो प्रोडक्ट लेके आए हैं इस प्रोडक्ट को अपने लिए भी रूम में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इसको ऑन कर दिया, आप देख रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसके ऊपर कई सारे वीडियोस अभी मैंने डाले हैं, हाल ही में करीब 8-10 प्रोडक्ट डाले हैं, सॉरी 8-10 वीडियोस डाले हैं, जो मैं उनको भी थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने भी वो वीडियोस बनाए थे उनकी वजह से मैंने उसको ट्यूबमेट से डाउनलोड करा है और फिर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा है। दोस्तों जो मेरा अपना है वो तो मेरा अपना है, लेकिन अगर मुझे किसी से जो है कुछ सपोर्ट मिल रहा है तो मैं उसका धन्यवाद भी देता हूँ और देना भी चाहिए कि आज जो मेहनत हमने नहीं करी उन्होंने मेहनत करी, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरा मोटो है कि मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी नए लोग जोड़ रहे हैं, मेरे आइडियाज़ लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही यूट्यूब चैनल पर उनको वो सारी चीज़ें मुहैया करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो उनके लिए ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो इसलिए दूसरे की वीडियो डालने में भी उसको प्रमोट करने में भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अल्टीमेटली वेस्टिज प्रमोट हो रहा है क्योंकि वो व्यक्ति भी वेस्टिजियन है, उसने भी मेहनत की है, उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उसने मेहनत की कि कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ, मोबाइल पकड़ के खड़ा हुआ, उसने जो है वीडियो बनाया, वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो सिखाया जाता है कि नकल कीजिए, नकल करने से आप सफल हो सकते हैं, तो इसलिए हम वो चीज़ उसको यूँ बोलते हैं कि हम अपने लिए और उनके भी लिए, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर उस पर होते हैं, उनका चैनल का नाम उस पर होता है, उसके बाद भी हम उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल पर, तो हम उनकी भी हेल्प कर रहे हैं कि वो भी प्रमोट हो रहे हैं साथ में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन व्यक्ति कितनी बड़ी टीम बना पा रहा है, ह्यूमन नेचर है हमारा और एक दूसरे की मदद करना हम लोग पसंद करते हैं। दोस्तों देखिए ये चल रहा है, आप देख पा रहे हैं, और इस रूम में अभी जो डस्ट थी, जो आप देखते हैं कि किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो उतना सफाई आपको होटल में नहीं मिल पाता है, कितना भी क्लीन होटल हो, तो वो चीज़ों से भी हमें बेनिफिट मिलेगा। और हम यहाँ पे एक जब सांस ले रहे होंगे तो उसमें भी हमें इफ़ेक्ट अभी 10 से 15 मिनट में मिल जाएगा। तो दोस्तों बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी कर सकते हैं, 2-5 मिनट की बात और करके आपको मैं ये है ये वीडियो बंद करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बोला आपके वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं तो थोड़ा शॉर्ट रखिए, इसलिए 20-25 मिनट का वीडियो देखना थोड़ा आसान होता है। 5 मिनट की और बात करके ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपके पास आएगा, वो भी शायद लेकिन लंबा हो गया है। अपलाइन की ज़रूरत आपको कहाँ कहाँ पे होती है, या एक अपलाइन को डाउनलाइन को कहाँ कहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, सिर्फ 2-4-5 पॉइंट आपको मैं शेयर करूँगा। जो भी नया व्यक्ति बेस्टीज बिजनेस या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर रहा है उसको इस बात का ख्याल रखना है कि वो नया है, कॉन्सेप्ट नया है, तो अगर वो पहले से किसी कंपनी में
नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुका है तो अनुभव होगा, लेकिन इस कंपनी का अनुभव शायद नहीं होगा। कोई भी नया काम करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि रामेश्वर सर हमेशा मुझे कॉल कर लेते हैं, छोटी से छोटी बात पूछने के लिए मुझे कॉल कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि उनमें एक अच्छी हैबिट है और वो उन्हें ज़रूर आगे लेके जाएगी। आप भी अपने अपलाइन को ज़रूर कॉल कीजिए। आप सबमिशन में रहिए, अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो 2 साल अपना दिमाग लगाने की जगह अपने सिस्टम का, बेस्टी सिस्टम में आप हैं तो बेस्टी सिस्टम का, आपकी कोई टीम है जैसे हमारा द वॉरियर्स टीम है ऑल ओवर इंडिया के लिए, उस सिस्टम का, आपके इमीडिएट अपलाइन जो हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं। इमीडिएट अपलाइन का मतलब ये नहीं होता जिन्होंने आपको बिजनेस में ज्वाइन करवाया है, इमीडिएट अपलाइन का मतलब ये होता है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो खुद सफल हो रहे हैं, जो खुद अपना चेक साइज बढ़ा रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपका इमीडिएट अपलाइन होता है, क्योंकि वही आपके लिए आपके बिजनेस को बड़ा करने में मदद कर रहे हैं। उनका जो भी कहना है उसको आप मानिए, अपना दिमाग जरूर लगाइए, लेकिन उतना ही दिमाग लगाइए कि इसमें अगर आप अपलाइन को कुछ डाउट्स आ रहा है तो पूछिए। लेकिन मैं एक बात और बोलूँगा, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक लीडर हैं एसपी भारिल सर, उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक बात बोली हुई थी, अगर आपके दिमाग से आपको करोड़पति बनना होता, अरबपति बनना होता, बिलियनियर बनना होता तो आज तक आपने जो काम किए उससे आप बन जाते, लेकिन अगर 30 साल 40 साल 25 साल की एज तक भी आप वो काम नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ 2 साल। जो व्यक्ति खुद अमीर है, जो व्यक्ति उन चीज़ों को आ चुका है, उसको फॉलो कर लीजिए। कितना अच्छा होगा दोस्तों कि अगर हम नकल करें और नकल करने में हम पास हो जाएं तो हम अमीर बन जाएं। तो आपका अपलाइन जो बोल रहा है आपसे उसको आप फॉलो कीजिए। उसको बोल सकते हैं कि ब्लाइंड फेथ कर सकते हो आप, अंधभक्ति करके भी अगर आप उसको फॉलो करते हो और सफल रहते हो तो क्या बुराई है? मैं नहीं समझता दोस्तों कोई बुराई है। दूसरा, आप अपलाइन डाउनलाइन में पैसे का लेन देन ना कीजिए, ये कई बार रिश्ते खराब करता है। आपकी आपसी समझ जो होती है उसको डेवलप करना जरूरी है। तीसरी चीज, आप मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, बुक्स, सीडीज, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। रोजाना जो भी लोग सीडीज सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम में सीडीज आती ही नहीं आती हैं, आप मोटिवेशनल सीडीज सुन सकते हैं। अगर सीडीज नहीं है तो उसका बहुत बढ़िया काम यूट्यूब चैनल करता है, बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु हैं जो सिखा रहे हैं आपको, बहुत सारी स्पीच हैं जो लीडर्स की यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे लाइव पे है या फेसबुक पेज पे अपलोड हैं, आप उनको सुनिए। दोस्तों एक बात और बोलूँगा इसमें सीडीज के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने बिजनेस की वो सीडी हो तो ही आप सुनिए। नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने 6 साल एमबे बिजनेस किया है, वहाँ से बहुत नॉलेज ली है। आज भी उन सीडीज को मैं सुन के उसमें से वो चीज़ निकालता हूँ जो मेरे काम की है। बिजनेस प्लान अलग हो सकता है, प्रोडक्ट्स अलग हो सकते हैं, कंपनी की सोच अलग हो सकती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के जो फंडे हैं वो सेम हैं, वो सेम रहेंगे। कभी भी आपको नया रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा। जो कोई भी लीडर आपको सिखा रहा है उसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। साथ में दोस्तों, वहाँ पर एक लीडर हैं जो साउथ के हैं और काफ़ी सफल हैं, वो छोटी एज में सफल हुए थे। उनसे मैंने वो बात सीखी थी जो मैंने आपको भी बताई कि कंटिन्यू आपको आना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वो अपनी सिटी से दूसरी सिटी सिटी बस में इतनी बार गए हैं कि वहाँ के
कंडक्टर और बस ड्राइवर उनको पहचानने लगे कि ये बंदा है, ये हफ्ते में 2 बार 3 बार अप डाउन करता है। दोस्तों ऐसा ही आपको भी करना पड़ेगा। किसी भी सिटी को डेवलप करने के लिए आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। एक बार वहाँ पे लीडरशिप निकल के आ गई, 4 5 6 लीडर आपको वहाँ पे निकल के आ गए, उसके बाद आपको महीने में एक बार जाने पे बड़ी मीटिंग लेनी होगी और वो सिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, वहाँ से बड़ा बिजनेस आ रहा होगा। इसी तरह से डाउनलाइन को भी समझना चाहिए कि अगर आउट स्टेशन का अगर जो है कोई लीडर आपको मिला है जो अच्छा लीडर है, तो आपको उसके साथ भी ज्वाइन करने में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कमिटेड कितना है, वो आपको समय कितना दे पा रहा है, वो आप भरोसा करना होगा, क्योंकि जब तक वो आएंगे नहीं जब तक आप समझेंगे नहीं। ये भी हो सकता है कि बिना ज्वाइन करे भी आप उनको बुला सकते हैं अगर वो आने के लिए तैयार हैं। आप देखिए कि वो कमिटेड है नहीं है। और ये भी हो सकता है अपलाइन के लिए कि जो डाउनलाइन है आप उसके पास जब जा रहे हो तो आप देखिए वो कितना कमिटेड है बिजनेस के लिए। अगर वो बेस्टेज बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, फास्ट स्टार्ट हो रहा है, या जुड़ते हुए क्रम में 11% जा रहा है, मतलब वो बिजनेस करना चाह रहा है, आपसे फ़ोन पे भी बात करके, आपकी सलाह लेके, यूट्यूब से मदद लेके, फेसबुक की मदद लेके, गूगल की मदद लेके वो बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है। क्योंकि फिर से मैं रामेश्वर सर का उदाहरण देना चाहूँगा कि रामेश्वर सर जो है आज गूगल से बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। अभी उनको एक सूरत में फ़ोन कॉल आया कि मुझे गुजराती में प्लान चाहिए, अगर आप गुजराती में मुझे हेल्प कर सकते हैं तो मैं आपकी टीम में जोड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने गुजराती में लिटरेचर निकाल लिया। दोस्तों करना तो पड़ेगा, बिना करे तो नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस बहुत बढ़िया है तो आपको खुद के अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी चीज़ के लिए मैं पूना के लेडी लीडर हैं जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, नैना जी, नैना जी को मैं सलूट करना चाहूँगा कि उन्होंने भी जो है फेसबुक पे सर्च करा, उन्होंने भी जो है यूट्यूब पे सर्च करा और नोट्स बनाए हैं। दोस्तों आप लोकल लीडर के साथ भी हैं लेकिन आप मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जो है अपलाइन जो आपको करने को बोल रहा है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नहीं सीख पाएंगे, और नहीं सीख पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, सॉरी टू से, लेकिन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो करना चाह रहा है वो चाहे आउट स्टेशन का जो है लीडर हो, तो भी आप यूट्यूब की मदद ले पाएंगे, फेसबुक की मदद ले पाएंगे, गूगल की मदद ले पाएंगे और आप सीख पाएंगे। जो नोट्स आपको अपलाइन मोबाइल पे बनवा रहा है, व्हाट्सएप पे बनवा रहा है, वीडियो कॉल से बनवा रहा है, आप उसको सीख पाएंगे। उन मैम को जो कोलकाता से हैं उनको मैं फिर से सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन मैंने वीडियो कॉल इसलिए किया था जो नहीं उठाया गया कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ, कुछ नोट दे पाऊँ। ठीक है, उनको मेरा इंटेंशन गलत लगा, उसके लिए सॉरी है। हम लीडर्स हैं दोस्तों, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन सिर्फ बिजनेस का रहता है, हमें बिजनेस से मतलब है, चाहे वो लेडीज हों हमारे ग्रुप में, चाहे जेंट्स हों, चाहे छोटी उम्र के हों बड़ी उम्र के, हमारा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस 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 बिजनेस। अगर आपका बन जाता है, आप सफल हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारी मर्यादाएं करनी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं, और वो आ जाती है। जो भी व्यक्ति लीडरशिप के साथ है उसमें वो मर्यादाएं आ जाएंगी, वो बातें आ जाएंगी। अगर मेरी बात से किसी को भी कोई बुरा लगता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं और फ्रेंडशिप होने लगती है तो हंसी मजाक भी होता है, हंसी मजाक में शायद कुछ बातें बुरी लग सकती हैं। अगर मेरी ऐसी कोई भी बात किसी भी लीडर को, चाहे लेडी लीडर हो या गर्ल्स हो या फिर जेंट्स हो, उनको बुरी लगती हैं तो अपोलोइज करता हूँ, मैं उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अभी अपलाइन के लिए जो मैंने बातें बताई उसको फॉलो कीजिए, जो डाउनलाइन के भी काम किए हैं, अपलाइन के भी काम किए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को अब ख़त्म बंद करना चाहूँगा। मैं बोलना चाहूँगा आप खुद भी जो है अपने यूट्यूब वीडियो बनाइए, फेसबुक पे लाइव वीडियो शेयर कीजिए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो आपको बताऊँगा कि लाइव वीडियो कैसे आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी आप लाइव वीडियो शेयर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों मेरा काम है सिखाना और मैं सिखा रहा हूँ।
जो आप देख रहे थे आउट स्टेशन बोलते बोलते दो तीन चार बार मैं रुका, लेकिन अब आउट स्टेशन बोल रहा हूँ तो नहीं रुका। तो ये एक प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मेरा एक यूट्यूब वीडियो है, जिन लोगों की आवाज़ साफ नहीं है उन लोगों के लिए भी है, जिन लोगों की आवाज़ रुक रुक के आती है उन लोगों के लिए भी है। दोस्तों आप फॉलो कीजिए मेरे वीडियोस को, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर YouTube पैसा देता है तो मैं वहाँ से भी पैसा कमाना चाहूँगा। मैं अपनी स्किल्स, अपने जो भी नॉलेज है उसको आप लोगों को प्रमोट करके, आप लोगों को एक तरह से बांट कर, और वहाँ से भी मुझे अगर पैसा आता है तो मैं कमाना चाहूँगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से पैसा आएगा तो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी मेरे फॉलोअर्स उतने नहीं हैं। लेकिन ये निश्चित है कि मैंने 3 महीने के अंदर अंदर बोला था कि 5,000 फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे, करीब उस बात को 2 महीने होने को आ रहे हैं और आज 2,700 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो क्या लगता है, मेरी बात यूनिवर्स मान रहा है? मेरी बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम कर रही है? बिल्कुल दोस्तों कर रही है। शुरुआत में कोई भी काम स्लो होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो फिर तेज़ी से बढ़ता है। तो वो चीज़ जो आज करीब 2 महीने में 2,700 हुए हैं, 1 महीने में निश्चित तौर पे 5,000 प्लस हो जाएंगे, या यूँ बोलूँगा मैं कि डबल हो जाएंगे। दोस्तों मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विश यू वेल्थ।